हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रिंटी रानी की रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं गर्भवती महिलाओं के लिए दाल मखाने की खीर बनाने जा रही हूँ, साथ ही उससे संबंधित कुछ जानकारी भी आप लोगों को दूंगी। तो फ्रेंड्स, दाल मखाने में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे कि उनके होने वाले बच्चे की हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, साथ ही गर्भवती महिलाओं की जो जोड़ों और हड्डियों में दर्द रहता है वो भी नहीं रहता। तो इससे खाने से एक ये भी फायदा है। दूसरा फायदा है कि इससे गर्भवती महिलाओं का प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी ओवर वेट हो जाता है। इस दाल मखाने खाने से उनका वेट ओवर नहीं होता, ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता। चौथा फायदा है कि इससे बीपी नॉर्मल रहता है, जिसका हाई बीपी होता है गर्भवती महिलाओं का, और प्रेगनेंसी में तो हो ही जाते हैं, कुछ के ऐसा ही होता है कि उनकी अधिक से अधिक हाई बीपी जो रहता है, तो उन लोगों को ये बहुत फ़ायदेमंद है खाने के लिए। ये जब खाएंगी तो वो बीपी जो उनका नॉर्मली रहेगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जिससे कि वो बीपी नॉर्मल रखता है। चौथा फ़ायदा है कि इससे कमज़ोरी नहीं होती। गर्भवती महिलाओं को अक्सर कमज़ोरी रहती है, जब तक डिलीवरी ना हो तब तक थकान महसूस होती है, तो इसको खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब जान लेते हैं कि इसको गर्भवती महिला कितनी मात्रा में खाएं। तो गर्भवती महिला को इसको 3 माह के बाद ही, जब 4th माह लगे, 4 मंथ से ही खाएं, शुरू से नहीं खाएं, स्टार्टिंग के दिनों से 3 मंथ के बाद ही इसे खाना चाहिए, और दिन में एक बार 10 से या फिर 15 तक दाल मखाने खा लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ खाने से मतलब दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्हें 10 से 15 तक ही खाएं, जो सही है उनके लिए। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे मालूम थी पर्सनली, वो मैंने आप लोगों को बता दी। और साथ ही मैं आज हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रिंटी रानी की रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं गर्भवती महिलाओं के लिए दाल मखाने की खीर बनाने जा रही हूँ, साथ ही उससे संबंधित कुछ जानकारी भी आप लोगों को दूंगी। तो फ्रेंड्स, दाल मखाने में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे कि उनके होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत रहती हैं, साथ ही गर्भवती महिलाओं की जो जोड़ों और हड्डियों में दर्द रहता है वो भी नहीं रहता। तो इससे खाने से एक ये भी फायदा है। दूसरा फायदा है कि इससे गर्भवती महिलाओं का प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी ओवर वेट हो जाता है। इस दाल मखाने खाने से उनका वेट ओवर नहीं होता, ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता। चौथा फायदा है कि इससे बीपी नॉर्मल रहता है, जिसका हाई बीपी होता है गर्भवती महिलाओं का, और प्रेगनेंसी में तो हो ही जाते हैं, कुछ के ऐसा ही होता है कि उनकी अधिक से अधिक हाई बीपी जो रहता है, तो उन लोगों को ये बहुत फ़ायदेमंद है खाने के लिए। ये जब खाएंगी तो वो बीपी जो उनका नॉर्मली रहेगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जिससे कि वो बीपी नॉर्मल रखता है। चौथा फायदा है कि इससे कमज़ोरी नहीं होती। गर्भवती महिलाओं को अक्सर कमज़ोरी रहती है, जब तक डिलीवरी ना हो तब तक थकान महसूस होती है, तो इसको खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब जान लेते हैं कि इसको गर्भवती महिला कितनी मात्रा में खाएं। तो गर्भवती महिला को इसको 3 माह के बाद ही, जब 4th माह लगे, 4 मंथ से ही खाएं, शुरू से नहीं खाएं, स्टार्टिंग के दिनों से 3 मंथ के बाद ही इसे खाना चाहिए, और दिन में एक बार 10 से या फिर 15 तक दाल मखाने खा लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ खाने से मतलब दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्हें 10 से 15 तक ही खाएं, जो सही है उनके लिए। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे मालूम थी पर्सनली, वो मैंने आप लोगों को बता दी। और साथ ही मैं आज, तो फ्रेंड्स, इसमें हम जो ये देसी घी थोड़ा ले लिया है, इसको हम डाल देंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ऐसा ही फ्राई तो करना है। ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे तभी इसको निकाल लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कि ये दूध
हमारा उबल ही गया है ठीक तरह से, तो इसको गैस हमको हम थोड़ा कम कर देंगे। और साथ ही ये भी हो गए दाल मखाने हमने फ्राई किए थे, ये हो ही गए हैं, तो इनको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम ये उबल गया है तो इसमें ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। ये है जो हमने कट कर लिए हैं, ये है बादाम और ये थोड़ा गोला है वो जो हमने कस लिया था थोड़ा, और साथ ही ये किशमिश और ये है दाल मखनी। साथ ही हमने ये चीनी ली है, वैसे आपको जैसे ठीक समझो वैसे डालना, पर मैंने तो इस कमी में ली है क्योंकि ज़्यादा चीनी सही नहीं रहती, इसको भी कम कर लेती। और इसमें हम सारी चीज़ डाल के इसको थोड़ा देर इसको इस तरह से ढक देंगे 10 से 15 मिनट तक। सो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं ये अभी खीर हमारी बनी है नहीं, ये हमारी खीर बन के तैयारी हो गई, अब हम इसको प्लेट में कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए बन गई, अब इसको हम प्लेटिंग करके तो फ्रेंड्स ये देख लिए हमने प्लेटिंग कर ली है, और इसको देख लीजिए आप किस तरह से बनाइए हमने। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए शेयर करिए। सो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो इतनी ही। हेलो वेलकम टू माय चैनल प्रिंटी रानी की रेसिपी, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो फ्रेंड्स आज मैं गर्भवती महिलाओं के लिए दाल मखानी की खीर बनाने जा रही हूँ, साथ ही उससे संबंधित कुछ जानकारी भी आप लोगों को दूंगी। तो फ्रेंड्स दाल मखाने में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे कि उनके होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत रहती हैं, साथ ही गर्भवती महिलाओं की जो जोड़ों हड्डियों में दर्द रहता है वो भी नहीं रहता, तो इससे खाने से एक ये भी फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि इससे गर्भवती महिलाओं का प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी ओवरवेट हो जाता है, इस दाल मखाने खाने से उनका वेट ओवर नहीं होता, ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता। चौथा फ़ायदा है कि इससे बीपी नॉर्मल रहता है, जिसका हाई बीपी होता है गर्भवती महिलाओं का, और प्रेगनेंसी में तो हो ही जाते हैं, कुछ के ऐसा ही होता है कि उनकी अधिक से अधिक हाई बीपी रहता है, तो उन लोगों को ये बहुत फ़ायदेमंद है खाने के लिए। ये जब खाएंगी तो वो बीपी जो उनका नॉर्मली रहेगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जिससे कि वो बीपी नॉर्मल रखता है। चौथा फ़ायदा है कि इससे कमज़ोरी नहीं होती, गर्भवती महिलाओं को अक्सर कमज़ोरी रहती है, जब तक डिलीवरी ना हो तब तक थकान महसूस होती है, तो इसको खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब जान लेते हैं कि इसको गर्भवती महिला कितनी मात्रा में खाएं। तो गर्भवती महिला को इसको 3 माह के बाद ही, जब 4th माह लगे, 4 मंथ से ही खाएं, शुरू से नहीं खाएं, स्टार्टिंग के दिनों से 3 मंथ के बाद ही इसे खाना चाहिए, और दिन में एक बार 10 से या फिर 15 तक दाल मखाने खा लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ खाने से मतलब दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्हें 10 से 15 तक ही खाएं जो सही है उनके लिए। सो फ्रेंड्स इसलिए मैंने ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे मालूम थी पर्सनली, वो मैंने आप लोगों को बता दी, और साथ ही मैं आज तो फ्रेंड्स गर्भवती महिलाओं के लिए हमने जो बनाने जा रहे हैं दाल मखानी की खीर, तो वो उसके लिए उसमें क्या क्या ऐड करने जा रहे हैं तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये है चीनी, ये चीनी है, ये दाल मखाना है जो महिलाओं के लिए, और ये है बादाम, कुछ कट कर लिए इस तरह से कट करने के बाद ही डालेंगे। ये है इलायची जो कूट ली हमने, ये है किशमिश और ये है गोला, साथ ही लिया है हमने दूध जो है ये, अब इसको हम उबलने रखेंगे गैस पे। सो फ्रेंड्स अब हम किस तरह से बनाएंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स हमने इसमें ये तो दूध उबलने रख दिया है हमने, ये देखिए ये दूध उबल रहा है, तब तक ये जो दाल मखाने ये थोड़ी हम फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे, ताकि ये थोड़ी क्रंची हो जाए। अब इसमें हम जब डालेंगे तो पूरी तरह से घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे,
हमने पहले से थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, अब इसको हम ससल नहीं दिखा रहा हूँ तबे खा रहा हूँ एक किलो हमने लाई दी तो मर थोड़ी जाऊँ 20 रुपये आपने एक किलो तो धर लो छठ में नंगना है टैट बारो बना है यूरो पीरो बालक खा देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो देसी घी थोड़ा ले लिया है इसको हम डाल देंगे इसमें, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही फ्राई तो करना है। ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे तभी इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि ये दूध हमारा उबल ही गया है ठीक तरह से, तो इसको गैस हमको हम थोड़ा कम कर देंगे और साथ ही ये भी हो गए दाल मखाने हमने फ्राई किए थे ये हो ही गए हैं, तो इनको हम इस प्लेट पर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम ये उबल गया है तो इसमें ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। ये है जो हमने कट कर लिए हैं, ये है बादाम और ये थोड़ा गोला है वो जो हमने कस लिया था थोड़ा, और साथ ही ये किशमिश और ये हैं दाल मखानी। साथ ही हमने ये चीनी ली है, वैसे आपको जैसे ठीक समझो वैसे डालना, पर मैंने तो इस कमी में ली है क्योंकि ज़्यादा चीनी सही नहीं रहती, इसको भी कम कर लेते हैं। और इसमें हम सारी चीज़ डाल के उसको थोड़ा देर इसको इस तरह से ढक देंगे 10 से 15 मिनट तक। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं ये अभी खीर हमारी बनी है नहीं, ये हमारी खीर बन के तैयारी हो गई, अब हम इसको प्लेट में कर देंगे। ये देखिए तो ये देखिए बन गई, अब इसको हम प्लेटिंग करके तो फ्रेंड्स ये देख ली हमने प्लेटिंग कर लिए और इसको देख लीजिए आप किस तरह से बनाइए हमने। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए शेयर करिए। सो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो इतनी ही।